गुड इवनिंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो अपनी टेस्ट सीरीज इस चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी से संबंधित, और ये ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है, और उसका जो आज का टॉपिक है वो है नदी, जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित प्रश्न है। आज की टेस्ट सीरीज में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज की टेस्ट सीरीज में कुल 25 क्वेश्चन हैं। तो आप जितने भी नए स्टूडेंट या फिर पुराने स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है साथियों, तो आप सभी लाइव चैट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपने अपने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वारदनमुख बनाती है। आपके ऑप्शन से गंगा, ताप्ती, गोदावरी या फिर महानदी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ताप्ती नदी। यहाँ इसको थोड़ा आप डिटेल में समझ सकते हैं कि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले एस्चुरीज का निर्माण करती, जिसे ज्वारदमुख भी कहा जाता है। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है तथा यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुलताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खान देश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ इसके डिटेल को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं नैनीताल, शिमला, सिक्किम या फिर माथरेन। आप इन चारों विकल्पों पर विचार करें, प्रश्न को देखें और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ बताते रहें। क्वेश्चन जो सेकंड है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, नैनीताल। आप देख सकते हैं इसे उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झील से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आज का कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन से कावेरी नदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी है सरावती या फिर डी ऑप्शन है कृष्णा नदी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे लगभग आपको हर एग्जाम में ये प्रश्न मिलता है। क्वेश्चन जो थर्ड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सरावती नदी। यहाँ देख सकते हैं आप कि जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक सरावती नदी पर स्थित है। यह चार छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोपा या महात्मा गांधी जल प्रपात भी है। इसकी ऊँचाई 253 मीटर है। साथियों यहाँ ध्यान रखेंगे आप, जो सरावती है उसी को गरसोपा जलप्रपात है या फिर इसे जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख सकते हैं आप कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है पैगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या फिर वेम्बनाथ झील। आप सभी अगर हमारे इस चैनल पर टेस्ट सीरीज़ में आप हमेशा बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास बेहतर क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाएंगे, जो आपको हर एक आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं आप यहाँ, वो है आपका ऑप्शन डी, यानी वेम्बनाथ झील। सवाल उठता है कि वेम्बनाथ झील कहाँ है, तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारदमुख बनाती है। यहाँ आपके ऑप्शन से कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर डी ऑप्शन है नर्मदा।
क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी नर्मदा। ध्यान रखेंगे जो नर्मदा नदी है वो मालवा पठार के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वारदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यानी जो अन्य तीनों नदियाँ हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए मैं उनकी बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है आपके लिए कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है। आपके ऑप्शन है घाघरा, गोमती, कोसी या फिर बेतवा। प्रश्न आप ध्यान रखेंगे मध्य भारत से निकलने वाली वह नदी होनी चाहिए। क्वेश्चन जो सिक्स है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी बेतवा नदी। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपकी, बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे साथियों, इसके पहले हम लोगों ने जो एस्चुरी का जिक्र किया था तो वहाँ पे दो नदियाँ इंपॉर्टेंट है, एक नर्मदा और एक ताप्ती, और यहाँ पे मध्य भारत का जिक्र है तो यहाँ पे है बेतवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देख सकते हैं आप कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि आपके ऑप्शन है इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होती है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या फिर डी ऑप्शन है यह बारहमासी नदी नहीं है। क्वेश्चन जो सेवन थे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है और इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो एट है कि खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है। आपके ऑप्शन है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या फिर डी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। आपको बताना है कि खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो एट है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आपकी, खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का ही अंग है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देख सकते हैं आप, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी है महानदी या फिर डी ऑप्शन है कावेरी नदी। साथियों हम लोग जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज शुरू की है इसमें हमने सबसे पहले संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उनको कवर किया। इस समय जो दूसरा हिस्सा चल रहा है ये ज्योग्राफी से संबंधित है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के भी सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नाइन्थ का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी गोदावरी। यहाँ एक्सप्लेनेशन ध्यान रखेंगे आप कि प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप कि अलकनंदा और भागीरथी संगम का क्या नाम है। आपके ऑप्शन से रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर डी ऑप्शन है केदारनाथ। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलते हैं। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है और अन्य जो प्रयाग में हैं वो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग एवं रुद्र प्रयाग।
तो यहाँ जो पंचप्रयाग हो सकते हैं उन सबके नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या फिर डी ऑप्शन है तिस्ता नदी। आपको बताना है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली इसमें से कौन सी नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। आप देख सकते हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप कि निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। आपके ऑप्शन है चिल्का, कोलेरू, लोनार या फिर पुल्लिकट झील। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं नीचे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है आपका ऑप्शन डी पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश इसका 97% भाग है और तमिलनाडु में 3% इसका भाग है, जो इन दो राज्यों की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप यानी होता है लैगून झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि जो श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे वो जो झील का जिक्र है वो है पुल्लिकट झील। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप कि प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। आपके ऑप्शन से पेरियार, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है नर्मदा या फिर डी ऑप्शन है, यहाँ पे सी जो लिखा है ये डी ऑप्शन है ताप्ती नदी। आपको बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो आज की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है आज हम लोग महत्वपूर्ण इसके 25 प्रश्नों को उसके व्याख्यात्मक हल के साथ हल कर रहे हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी कावेरी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूर्व की ओर तो कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरीपत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप, कयाल क्या है। आपके ऑप्शन से तराई मैदान, बी ऑप्शन है दक्कन पठार की रेगड़, सी ऑप्शन है गंगा डेल्टा या फिर डी ऑप्शन है केरल के लैगून। आपको बताना है कि कयाल क्या है। बिल्कुल देख सकते हैं आप सभी आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहें क्योंकि हम लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी केरल के लैगून। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती हैं तो इसे लैगून कहा जाता है। चिल्का झील, कोलेरू झील एवं पुल्लिकट अनूप झील के रूप का उदाहरण है, यानी लैगून झील के प्रमुख उदाहरण है। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल या फिर वेम्बनाद कयाल इत्यादि। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। आपको बताना है कहाँ से। आपके ऑप्शन से हिंदू कुश पर्वतमाला से, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वतमाला से, सी ऑप्शन है कैलाश पर्वतमाला से या फिर डी ऑप्शन है काराकोरम पर्वतमाला से। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है।
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी आप यहाँ देखेंगे एक तरफ जलप्रपात है और उसका दूसरा पॉइंट नदियों का नाम है, आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन ए है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा जलप्रपात राहु, दशोंग जो है वो कांची, या फिर लोध जो है वो बाकर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों आपको जो भी क्वेश्चन थोड़े से अलग लगे आप उन्हें ज़रूर नोट डाउन किया करें, और इस तरीके से क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन से आपको उसके बारे में समझ हो जाएगी। जो नए क्वेश्चन हैं उन्हें नोट्स कर लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान देंगे लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार ज़िले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे बाकी जो ए बी तथा सी हैं ये तीनों सुमेलित हैं, जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, और लोध जो है वो बाकर नदी ना होकर बल्कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके लिए कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं दिबांग नदी, दिहांग नदी, सुबनसिरी या फिर धनसिरी। आप इन चारों विकल्पों को देखें और इसके बाद आप बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी दिहांग। देख सकते हैं आप ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी नदी को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अनेक नाम हैं जिसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपके लिए उम्मीद है कि बिल्कुल नया प्रश्न है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। आपके चार ऑप्शन है दामोदर भेड़ा, बी ऑप्शन है दामोदर शेरभुखी, सी ऑप्शन है दामोदर बराकर या फिर डी ऑप्शन है दामोदर कोनार। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए दामोदर भेड़ा। देख सकते हैं आप राजरप्पा झारखंड राज्य में के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या फिर भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। साथियों यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स है इसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये नए पॉइंट्स है बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें नामों को देख सकते हैं और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितने भी साथी अभी हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को इस समय लाइव देख रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप बस इस वीडियो को देखें ना बल्कि आप लाइव चैट के थ्रू आंसर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका आंसर सही या गलत करना ही आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल समझाने में मदद करता है। तो आप सभी आंसर ज़रूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। देख सकते हैं चीन, भारत और बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे बाकी पॉइंट्स को भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। आपके ऑप्शन है लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या फिर व्यास नदी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए लूनी नदी। ध्यान रखेंगे जो लूनी नदी है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण यानी जो दलदली क्षेत्र में उसमें विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि लोकटक क्या है, घाटी, नदी, झील या फिर पर्वतमाला।
बिल्कुल इसका आंसर आप सभी सही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। काबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है और यहाँ पर संघाई हिरण पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है वो यही लोकटक झील है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी। आपके ऑप्शन है सतलज, व्यास, रावी या फिर हुंजा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन है सतलज नदी। देख सकते हैं आप, सतलज नदी का जो उद्गम है वो कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है तथा प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। तो उम्मीद है यहाँ एक्सप्लेनेशन से आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, देख सकते हैं कि चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए और उनमें राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप इन्हें ध्यान से देखें और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, इसका जो आंसर है कि चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह नदी तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और यहाँ से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देख सकते हैं आप आज की टेस्ट सीरीज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो 24 है कि सांभर लवड़ झील कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है राजस्थान। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है सांभर, और देख सकते हैं इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन डी राजस्थान। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील यानी खारे पानी की झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है और इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों वो नीस के गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हैं साथियों आज की टेस्ट सीरीज के अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 25 है आपके लिए कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपके ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा या फिर डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन सी ओडिशा। ध्यान रखेंगे ओडिशा राज्य में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो उम्मीद है साथियों कि आज की टेस्ट सीरीज के जितने भी महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे आप इनको समझ पाए होंगे। यहाँ से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे होंगे, पॉइंट्स लगे होंगे, उन्हें आप नोट भी किए होंगे और आज की टेस्ट सीरीज से आपको ज्योग्राफी के कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। तो आप ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस और ऐसे टेस्ट सीरीज को चाहते हैं कि हमेशा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल कैरियर पॉइंट डीलन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक करें, जिससे हमारे जितने भी आगामी वीडियोज़ के समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो साथियों नेक्स्ट डे हम लोग ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी और उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।